पूर्वांचल की लोकप्रिय सांसद आजमगढ़ से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक गरीबों दलितों स्वस्थों मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाली हम सब की नेता लोकप्रिय सांसद प्रमादर्य माननीय संगीता आजादी से मैं चाहूंगा कि वो बाबा साहब मानवर कांसी राम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करें और इस कार्यक्रम में उपस्थित आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में लोकसभा लालगंज के अंतर्गत विधानसभा अतरौलिया के कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ कहने से पूर्व भारतीय संविधान के निर्माता हम सबके भाग्य विधाता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में श्रद्धा के समान अर्पित करती हूँ। बांसलेट और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांतिलाल साहब के चरणों में श्रद्धा के समान अर्पित करती हूँ। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गैर कुमारी मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी धन्यवाद दू तो यह आपके प्रसाद के साथ बेमानी होगी। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी जहां भी जरूरत पड़ेगी एक सेवक से लेकर के संरक्षक तक की भूमिका में मैं नजर आऊंगा, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली और ये विरासत में जाने वाले भी नहीं है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे बच्चे विदेश में, जीवन के 30 साल मैंने आपकी सेवा में दिए, बचा हुआ शेष जीवन आपकी सेवा में समर्पित है और जीवन के अंतिम सांस तक मैं आपकी सेवा करता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, अभाव में जन्म लिया है मैंने, अभाव में संघर्ष किया हूं और अभाव से लड़ा हूं। अभाव का दर्द कितना खराब होता है, कितना दुखदायी होता है, इसका एहसास है हमको। और मैं अपने पुराने दिन याद रखता हूं और याद रखना भी चाहता हूं। आप मेरे से बहुत सारे सम्मान साथी उन्हीं रास्तों पर हैं जहां मैं कभी हुआ करता था। आपके दुख दर्द का एहसास है मुझको और आपके दुख दर्द में मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खड़ा होऊंगा। आपने कोरोना महामारी का मेरा इतिहास देखा है, एक विश्वव्यापी महामारी आई, संक्रमण बढ़ता गया और बहुत मुश्किल हो गई। मैंने आपका साथ दिया है, इसी के साथ ही मैं यहां आए हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों का, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय भीम जय भारत। इस तरह से अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए आज लोग देखिए, हमारा संगठन हमेशा तैयार रहा, हम लोग इसके लिए संगठन की समीक्षा करते रहते हैं। हमारा वर्कर अपने नेता के आदेश को नीचे तक हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं उनके आदेश में और संगठन पूरा मजबूत है। अभी आपके अंचल में देखा गया कि सभी आगमगढ़ कहाँ कमी रहे, हमने आपको बताया मंच के माध्यम से 2017 में ईवीएम की कमी रह गई थी, बात की
एरिया में अगर हमारा साथ दे देता हो तो सरकार जो हमारा आपके साथी साथ लेते जा रहे हैं। मेरे जो लगता है साथी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, हमारा महिला स्वार्थ का कोई साथी नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ साथी नहीं, जहाँ साथी है वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ साथी नहीं होगा, जहाँ साथी होगा तो वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो दो चीज़ों में कहीं ना बाइस का नहीं क्या बताना, मुझे तो जब तक खुद बता रही है, जनता भी खुद कह रहे हैं कि आप बताइए जनता को क्या चाहिए थी, रोजगार किसान को क्या चाहिए थी, आय से बड़ी आय बढ़ना चाहिए, किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, हर धर्म हर जाति गुंडा और अपराधी इतने बड़े पैमाने क्रांति बढ़ चुकी है, बेलगाम अपराधी हो चुका है। आज बहन बेटी की अपने आप रहने से बुलाती है, भाई और परिवार के लोग सोचते हैं बहन बेटी को कहीं मार्केट नहीं मिलती, तो ये जनता खुद के बारे में तैयार करें। वर्तमान सरकार का मुद्दा ये है कि वो अपराध कर रही है, माफियाओं को लोग चुनाव आ गया ना, चुनाव आ गया है, दिखा रहे हैं चलना। अभी 4.5 साल तक योगी जी बाहर नहीं मिली, 4 साल से जब 4.5 साल गुजर गई, जब चुनाव करीब आया तो हॉस्पिटल का दौरा करने लगे। अगर यही 4.5 साल पहले हमने वादा किया था कि रोडों पर निकल जाए, तो आज जो कोरोना की जो हाल है, हजारों लोग मारे गए जिनको दवाई यूपी जी नहीं दे पाए, जिनको इलाज नहीं करा पाए यूपी जी, जिनको सिलेंडर नहीं दे पाए यूपी जी, उसके बाद जब सारा खत्म, यहाँ तक अंतिम संस्कार के लिए जो स्थान होता है लकड़ी होती है वो भी नहीं दे पाए, अब कहते नहीं है पहले मारो फिर कुछ करो। अगर आपको समझदार है आपको जानते हैं जनता फिर जाना। अच्छा आपने अभी जनता को ये बताया कि विरोधियों को मारा गया, अपराधियों को, अभी मैं कह रहा हूँ अपराधी कम विरोधी ज़्यादा, इनके जो अपराधी कम है, अगर अपराधी अगर मारे होते अपराध खत्म हो जाते, ये मुख्य विरोधी अपने मार रहे हैं। इसका नमूना पंचायत चुनाव में आपने देखा, कितने बड़े पैमाने पर धांधली कर ली, नॉमिनेशन तक नहीं कर पाए आदमी, ब्लॉक प्रमुख छोटे छोटे चुनाव में, हमारी सरकार में भी चुनाव हुए थे, हमारी सरकार में चुनाव खुल के हुए, और लोकतंत्र का खूब मतलब सम्मान हुआ, लेकिन आज तो लोकतंत्र कहाँ बचा, लोकतंत्र अपमान हो रहा है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, समझदार पॉलिटिकल हैं, वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है। तो द्रविया विधानसभा से अगर किया आपने प्रत्याशी की घोषित किया है 10 विधानसभाएं तो हमारी क्रम इसी तरीके से क्या देखिए, अभी हम लोग प्रभारी बना रहे हैं, यहाँ पे जैसे अटोरिया प्रभारी बनाया है माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी महाराष्ट्र के आदेश अनुसार यहाँ प्रभारी बनाया गया है, आने वाला जो चुनाव होगा प्रत्याशी। अभी जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो प्रत्याशी कैसे कह सकते हैं आप, इतना तो आप खुद जानते हैं, नोटिफिकेशन जारी होता अभी तो प्रभारी बना, जो उनको प्रभारी बना तो उनको प्रत्याशी बना देता, ये सिग्नल क्यों दिया जाता है आप तो इतना जानते हैं। हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जो 5वीं बार बहन जी की सरकार बनी, जिसमें हर धर्म हर जाति के लोग हर मजहब के लोग अमन चैन बरकरार रहे, कानून का राज में, और हर तरीके से अधिकारी से लेकर अपराधी तक, जहां अपराधी की जगह वहां अपराधी रहे, जहां पहुंचे वहां जहां अधिकारी की जगह अधिकारी काम करें, जब अपराधी अपनी जगह पहुंचता अधिकारी काम करता तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अमन चैन बरकरार रहता है, उत्थान होता है, नौजवान गरीब मजदूर किसान सब खुशहाल रहता है, हर धर्म के लोग खुशहाल रहते हैं। यही हम लोग चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे नेता का भी यही आदेश है और यही उनका पैगाम भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा पैगाम दो कि सब समाज के लोग भाईचारे से रहें, अमन चैन बरकरार रहे, हमारी सरकार में दंगे फसाद नहीं होते, हमारी सरकार में जाति संघर्ष नहीं होता है, हमारी सरकार बहन बेटी किसी और आपकी हिफाजत से रहती है, हमारी सरकार में हर धर्म और जाति के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, हमारी सरकार में हर गरीब मजदूर मजलूम को मकान रहने को मिलता है, और क्या चाहिए हम लोग, तो हम सरकार बनाना चाहते हैं, अमन चैन से रखना चाहते हैं प्रदेश की जनता।
गए। सर एक और अभी चर्चा हो रही थी, अचानक आपने कार्यक्रम खोल दिया था। क्या है कि कार्यक्रम हम लोग नहीं छोड़ते हैं, अगर कहीं कोई बाथरूम लग रही है तो कार्यक्रम नहीं छोड़ा था, केवल नीचे तक उतर के गए थे और कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा। कार्यक्रम 2 मिनट के अंदर तो आगे आने वो आप लोग जानते हैं दफा रहे हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।